जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो दस पाचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहे गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जार भयवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुपवेशन धुनम सोहम सुरति समाप्तम। सकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा। अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदिचिदिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरों चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरु देव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोहा जाम। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देव सुख। जय इब कै सतगुरु मिले
सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरो, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको ना। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरच मुनि नारद, तिनके हरते ना समान। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाण। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, जैसे काग जहाज का, अब सूजत और न ठोर। परम पिता परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव जी की असीम कृपा से, कबीर साहब जी की असीम कृपा से, हम सभी काल के जाल में फंसे हुए प्राणियों को तत्व ज्ञान रूपी एक नई दिशा हमें प्राप्त हुई है। उसी परमेश्वर ने स्वयं कृपा करके अपने गुण अनुसार कि वो प्रत्येक युग में आते हैं, अपनी जानकारी यानी परमात्म तत्व को स्वयं ही बताते हैं और आत्म ज्ञान भी वही प्रदान करते हैं। आत्म ज्ञान क्या होता है, परमात्म ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान है अपने विषय में जानकारी, हम कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ जन्मने और मरने के पीछे क्या कारण है, इसकी क्या आवश्यकता है, मृत्यु के उपरांत ये प्राणी कहाँ जाता है, इसकी क्या दशा होती है, इस प्राणी को क्या करना चाहिए, मानुष जीवन प्राप्त करके इसने कौन से शुभ कर्म करने चाहिए, कौन से अशुभ ना करने चाहिए, यह जानकारी आत्म ज्ञान कहलाता है। परमात्म ज्ञान है पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी। परम अक्षर ब्रह्म यानी परमात्म तत्व की जानकारी केवल स्वयं परमात्मा ही आकर देता है, ये हमारे सभी सद्गुरु साक्षी हैं इस बात की। पवित्र वेदों में यही प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86, मंत्र 26 और 27 में
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, 96 मंत्र 16 से लेकर 20, 21 तक। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में। और भी अनेकों स्थानों पर उस परमेश्वर की जानकारी है कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। वेद उसे कबीर देव लिखते हैं, हम अपनी मातृभाषा में उसी परमात्मा का नाम कबीर साहब बोलते और लिखते हैं, क्योंकि हम अपनी मदर लैंग्वेज में, मातृभाषा में वह को हम वह बोलते हैं। पूरे पंजाब में, पूरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MP, जितने भी निकटवर्ती प्रदेश हैं हमारे सभी, और जितने संत हुए हैं उन्होंने अपनी मातृभाषा में जो भी अपना अनुभव लिखा उन्होंने वेदों को वेद बोला है, यानी हम वह को वह बोलते हैं। और ये शुद्ध हिंदी के जानने वाले इसको वह बोल देते हैं, वेद कह देते हैं। इसी प्रकार जहाँ वेदों में कवि शब्द लिखा है, कवि, कबीर, कबीर, तो हम उसको कबीर बोलते हैं, कबीर, वह बोलते हैं वह को। इतना ही बोलने का उच्चारण का अंतर है, प्रोनाउंसिएशन का ही फर्क है। बाकी जो वेदों में वर्णित है वो कबीर साहब, वो पूर्ण परमात्मा है, उसको ये अधिक जो शिक्षित मानते हैं अपने आप को व्याकरण के ज्ञाता, उसको यदि कबीर देव की वो संधि छेद करके उसका अनुवाद करना चाहेंगे तो वो क्या लिखेंगे, कवि साहब, कवि परमेश्वर। कबीर देव का अनुवाद करने के लिए उन्हें लिखना पड़ेगा कवि परमेश्वर, हम उसको कवि परमेश्वर कह देते हैं, कवि। लेकिन वेदों में जैसे यजुर्वेद है, यजु अलग लिख दें, रह हटा दें, अपसर्ग लगा दें और वेद अलग लिख दें प्लस करके, तो इसका अगर हम आगे कोई अनुवाद करेंगे तो यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, उस रह को हम मिटा नहीं सकते। ऐसे ही कबीर देव जहाँ लिखा है हम उसको कबीर देव बोलते हैं, कबीर देव। फिर हम देव को, परमेश्वर को, ते साहब को हम कबीर साहब कहने लगे, कबीर देव की बजाय कबीर साहब कहने लगे, कबीर परमेश्वर कहने लगे। तो इस प्रकार इसको अपभ्रंश भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज को अपभ्रंश नहीं मान सकते। तो ऐसे ये कबीर देव नाम परमात्मा का है, कबीर साहब को हो, कबीर देव को। तो वो कबीर देव, वो कबीर साहब अपने सतलोक से चलकर आता है, सत साधना करने वाले साधकों के सब विघ्नों को नाश करता है, अपने शरीर को सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का जो वास्तविक शरीर है, वास्तविक जो नूर है शरीर का, सतलोक में साकार है परमात्मा। और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये निरंकारी पंथ और अन्य भी जो अपने आप को विद्वान बताते हैं, मंडलेश्वर कहते हैं, परमात्मा को निराकार बताते हैं, जबकि पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये हमारे मुख्य सदग्रंथों में से हैं। तो ये सभी परमात्मा को नर आकार बताता है, बताते हैं, मनुष्य दृश्य है, तो वो वास्तव में ऐसा ही है। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26, 27 में लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी सत साधना करने वाले भक्तों के लिए, भक्ति करने वाले, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान अर्थात साधना करने वाले साधकों, यजमानों अर्थात भक्तों के लिए परमात्मा उनके करने वालों के विघ्नों का नाश करता हुआ, उनके रास्तों को सुगम करता है, उनके सब विघ्नों को नाश करता है, उनके रास्तों को सुगम करता है, यानी उसके रास्ते खोल देता है और
वह परमात्मा अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक के अंदर परमात्मा एक बहुत बड़े गुम्मतनुमा एक महल में विराजमान है, उसका अक्षेत्र बहुत बड़ा है, उसके सेंटर में परमात्मा विराजमान है। और सत्पुरुष परमेश्वर को इसलिए कहते हैं, वो अविनाशी प्रभु है। और सत्पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे उसको सत्पुरुष कहो, उनके एक रोमकूप में इतना प्रकाश है, इतना नूर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी उनकी रोशनी परमात्मा के एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीकी रहे। वो ऐसा स्वरूप है परमात्मा का, नर आकार है। तो एज इट इज यदि प्रभु यहाँ आ जाए तो हम कुछ नहीं देख सके, हमारी आंखें बंद हो जाएं, जैसे उल्लू सूर्य के प्रकाश को और सूर्य को नहीं देख सकता, तुरंत ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है उसकी आंखें। तो उस परमेश्वर के उस नूर को हम चरम दृष्टि से नहीं देख सकते, नहीं सहन कर सकते। इसलिए वो परमेश्वर अपने रूप को सरल करके हल्का तेज पुंज का, जैसे परमेश्वर की महिमा को आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने ब्रह्म वेदी में कहा कि तेज पुंज अन्य दे धर कर, इस विध हमको भेंट ही, इस तरह हमको मिलते हैं, अपने रूप को सरल करके आता है। और वह कबीर देव परमात्मा, वो कबीर देव, वो कबीर साहब, कबीर परमेश्वर यहाँ विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ भक्तों को, अच्छी आत्मा को, पुण्य आत्मा को प्राप्त होता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहाँ एक देशीय है। इस प्रकार वो परमात्मा हमें ज्ञान का उपदेश देते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो परमात्म तत्व को, परमात्म तत्व अर्थात अपनी जानकारी परमेश्वर स्वयं ही देने के लिए आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैंने जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी जानकारी दी है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत ही करता है, मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना ही अपना कर्म समझता है, अच्छा भक्ति मार्ग समझते हैं, और ये सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि यदि वो अपनी साधना को वो ठीक ना समझें, अच्छी ना समझें तो साधना बंद कर देंगे, कर ही नहीं सकते। इसलिए वो अज्ञानतावश अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर ही कर रहे हैं, उसको ऐसा जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा कि इस प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी और इससे भी विस्तृत वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे माने सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी जो परमेश्वर स्वयं आकर के सतलोक से चलकर यहाँ अपनी अच्छी आत्मा को मिलता है, उस नियमानुसार प्रत्येक युग में परमात्मा आते हैं। और वो तत्व ज्ञान, वो यथार्थ ज्ञान, अपनी जानकारी और हम कहाँ थे, कैसे यहाँ आ गए, हमारे जन्म मृत्यु क्यों हो रही है, इसके पीछे किसका स्वार्थ है हमें मारने और जन्म देने में, ये परमात्म ज्ञान है। इसमें आत्म ज्ञान भी, परमात्म ज्ञान के अंदर आत्म ज्ञान भी और सभी परमात्म ज्ञान भी, दोनों का समावेश हो जाता है। तो उस परमेश्वर ने आके हमें जानकारी दी है कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, ये पृथ्वी लोक सबसे घटिया स्थान है, यहाँ पर कभी फ्लड आ जाती है, कभी गर्मी सताती है, कभी इतना अकाल गिर जाता है, त्राही त्राही मच जाती है, टक्कर मार मार कर मर जाते हैं, कहीं साइक्लोन आ जाते हैं, कभी भूकंप आ जाते हैं, कोई दुर्घटना मर जाते हैं, कई महामारियों के अंदर नष्ट हो जाते हो।
किसी का पुत्र मर रहा है, किसी की पुत्री मर गई है, किसी की बेटी विधवा हो गई है, किसी का कुछ हो गया, किसी के हाथ कट गया, किसी की आंखें फूट गई, कोई पशु पक्षी बनकर कितना घोर कष्ट उठा रहे हो। ये लोग ठीक नहीं है, ये स्थान ठीक नहीं है। तुम इसको व्यवस्था अनुसार विवश होकर के, आपके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए आप जी ने इस प्रोसेस को, मरने और जीने को, दुर्घटनाओं को और किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को आपने स्वीकार कर लिया कि ऐसा यहाँ होता ही है, होता ही रहेगा। मर गए वो मर गए, हम ठीक हैं। परमात्मा ये बताते हैं कि वो मर गए जो किसी भी कारण से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, क्या वो भी तो आप ही की तरह रह रहे थे और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए? आप अपने आप को कुशल मान रहे हो, आपने उनसे अलग कौन सा, भिन्न अलग से कौन सा और प्रोटेक्शन का जो तरीका अपना लिया है, आपने कौन सा साधन अपना लिया जिससे आप उस आपदाओं में नहीं आओगे जो पहले वाले आ चुके? यहां हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि हम विवश हैं। परमात्मा हमें याद दिलाने आए थे, आते रहते हैं कि तुम सतलोक के रहने वाले हो। सतलोक में बुढ़ापा और मृत्यु नहीं होता, सदा युवा रहते हो, निरोग शरीर रहता है, स्वस्थ रहते हो, कोई बीमारी नहीं। उसको अनामय देश भी कहते, अनामय का अर्थ होता है रोग रहित, आमे माने बीमारी, अनामय माने बीमारी ना हो जिसमें, यानी स्वस्थ, अनामय। तो पुण्यात्मा हम उस लोक में रहा करते, हम कभी वृद्ध नहीं होते थे, हम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। और यहाँ हमारे ऊपर ये दोनों ही कहर टूटते हैं, हम वृद्ध भी होते हैं और मृत्यु भी होती है जो हमें पसंद बिल्कुल नहीं। तो इसका विकल्प बताया परमात्मा ने कि तुम ये साधना करो, ये क्रियाएं प्रारंभ करो जो मैं तुम्हें बताने आया हूं। इसके करने से फिर आप सदा के लिए जरा और मरण से छूट जाओगे। जरा मीन बुढ़ापा वृद्धावस्था और मरण मीन मृत्यु। तुम जरा और मरण से छूटना चाहते हो तो जैसे मैं तत्व ज्ञान में बता रहा हूं ऐसे साधना कीजिए। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भी इसी बात का समर्थन कर रहा है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में। गीता ज्ञान दाता अर्जुन के माध्यम से हम सभी को संदेश दे रहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छुटकारे के लिए प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, वे उस ब्रह्म से यानी तत् ब्रह्म से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी प्रकार के कर्मों से परिचित हैं। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन उस ज्ञान को जिसको परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से उच्चारण करके सुनाता है, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसको ब्रह्मणे मुखे कहा है। और इन अनुवादकर्ताओं ने अज्ञानतावश इसका अर्थ गलत कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, नहीं, ब्रह्म माने परमात्मा और परमात्मा का अर्थ वेद करना अज्ञानता का सूचक है। जैसे राजा और एक राजा का विधान होता है, संविधान, जहां राजा का प्रसंग हो और वो प्रसंग को ना समझकर अनुवाद करता राजा का अर्थ संविधान कर देता है कि संविधान की वाणी में अर्थ लिखना था, वहां राजा की वाणी में राजा का आदेश ना लिख करके
संविधान की वाणी लिखता है तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि राजा का अर्थ संविधान नहीं होता, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, इसका अन्य अर्थ नहीं होता। जहां पर इन्होंने अन्य अर्थ किए हैं वो गलत किए हैं, तत्व ज्ञान के अभाव से किए हैं, और जितने भी शब्द कोशों में भी कहीं इन्होंने ऐसी त्रुटि की है तो इन अज्ञानियों के द्वारा किए गए शब्दार्थों से ही उन्होंने रेफरेंस दे रखी। शब्दकोशों में भी लिखा है कि ऐसा अनुवाद उस गीता अध्याय इतने में किया हुआ, इसलिए मैं भी शब्दकोश में उसी के आधार से इसका अर्थ ऐसा कर रहा हूं, तो वो गलत कर दिया, शब्दकोश भी गलत बना दिए, शब्दार्थ गलत हो गए। तो यहां सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो ज्ञान विस्तार से कहा गया सभी धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों के बारे में, वो तत्व ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से, वह तत्वदर्शी संत आपको, तुझे परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व की, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी देंगे, उनसे सुन, उनसे पूछो। इससे एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि गीता ज्ञानदाता उस परमात्म तत्व से परिचित नहीं है, उसने ऑप्शन छोड़ दिया, उसने कह दिया है कि उस तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च अधियज्ज किम प्रोक्तम। उसमें लिखा है कि अर्जुन कहता है फिर वो तत्ब्रह्म कौन है, वो क्या चीज है तत्ब्रह्म, और क्या यह अध्यात्म है, और वो कर्म क्या है। आगे इसका उत्तर देता है संक्षिप्त में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तत्ब्रह्म कौन है जिसको जानकर फिर प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अलग परमेश्वर है। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि मेरे आश्रित होकर मैं जो तुझे संदेश दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, दंडवत प्रणाम कर, नम्रता पूर्वक उनसे प्रसन्न करो, फिर वो तत्वदर्शी संत उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, उनके मुख से उत्तरित वाणी में जो तत्व ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, उसको बताएंगे। तो मेरे इस ज्ञान को आश्रित करके जो जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जो मेरे इस ज्ञान को आधार मानकर तत्वदर्शी संतों के पास चले गए, उनको तत्वदर्शी संत मिल गया, तो वो क्या करते हैं, वे तत्ब्रह्म तथा तत्ब्रह्म से संपूर्ण अध्यात्म से, ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से यानी तत्व ज्ञान से, और सभी कर्मों से को जानते हैं, जानने वाले हैं, उनको जान चुके, तभी तो वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर ने आकर हमें ज्ञान दिया है, हमें बताया है कि तुम यहां पाप इकट्ठा करके काल के जाल में फंसे रहते हो, तुम्हें शुभ कर्मों की जानकारी नहीं है, सत साधना से आप परिचित नहीं हो, क्योंकि यथार्थ भक्ति मार्ग से यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से, उसके पाने की विधि से, सतलोक जाने की विधि से, परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त या उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार, अपने गुण अनुसार, अपनी महिमा के अनुसार
आकर मिलते हैं। जैसे अभी आपना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 ऋग्वेद के ही मंडल 82 मंत्र 1-2 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के ही सूक्त 82 मंत्र 1-2-3 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16-21 तक और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। वो अपने तीसरे मुक्ति धाम सतलोक से अमर धाम से चलकर आता है, वो वहाँ विराजमान है, वहाँ रहता है, अच्छी आत्मा को मिलता है जो श्रेष्ठ आत्मा होती है। जैसे आकाशीय बिजली उसी धातु पर गिरती है जिसमें उसका अट्रैक्शन बनता है, ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं की तरफ खिंचा चला आता है जो अच्छी आत्मा होती है। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मुरुखदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, आदरणीय गीसादास साहेब जी खेखड़ा वाले, आदरणीय गरीबदास साहेब जी छुड़ानी वाले हरियाणा वाले, और आदरणीय नामदेव जी। ऐसे महापुरुषों को तो बहुतों को मिले हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रमाणित से हैं उनमें से विशेष करिए आधा दर्जन के करीब तो दास को उनका जानकारी है। इनको तो यथार्थ ज्ञान हुआ प्रभु से, परमेश्वर ने आकर अपने विधान अनुसार, संविधान अनुसार, अपने नियम अनुसार उनसे मिले। जैसे वेद बताते हैं ऐसी लीला मालिक करता, ऐसी ही की उन्होंने। वेद तो इस दास ने अभी देखे हैं 2-4 वर्ष से, और ये लीला 600 वर्ष पहले परमात्मा ने की हुई है, और प्रत्येक युग में उन्होंने की है। वो स्वयं अपना प्रमाण दे रहे हैं अपनी सच्चिदानंद घनवर ब्रह्म की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, कि वो परमात्मा ऐसे करता है, वो ऐसे ही उन्होंने किया हुआ है। तो उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा विधान अनुसार मिले हैं और जिन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को स्वीकारा है, उसके अतिरिक्त कोई भी इस तत्व ज्ञान से, परमात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। यहां तक कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, दुर्गा जी, श्री देवी जी और अन्य ऋषि और ब्राह्मण, कोई भी परिचित नहीं है इस तत्व ज्ञान से। ये सभी डलेड हो रहे हैं। परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, ईरे माणिक मोती बरसें, ये जग चुगता डेल रे। सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, जिसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, उसमें ये यथार्थ ज्ञान सत साधना लिखी है, और उसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की, जरा मरण से छूटने की सब साधना, सब विधि विस्तार से कही गई है। और उस साधना को ना करके, वो साधना तो है हीरे मोती माणिक लाल बहुमूल्य समझो, और ये जग चुगता ढेल रे, ढेल माने कंकर, डले ढेले, डले इकट्ठे कर रहा है, ये कंकर पत्थर इकट्ठी कर रहा है आन उपासना। जो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो साधना वर्णित है उस तत्व ज्ञान में, उसके अतिरिक्त जो भी साधना, जो भी नाम जाप आप जी कर रहे हो, वो कंकर पत्थर कौड़ी इकट्ठी कर रहे हो, हीरे मोती लाल जान के, ये आपको भूल लगी हुई है। इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। अपने आत्मा, बच्चा जब तक किसी कक्षा में पढ़ रहा है तब तक वो अपने सिलेबस को रिपीट करता रहता है, उस सिलेबस से उसका पीछा तभी छूटता है जब वो सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है।
आप जी अभी शिक्षा में हो, आप अभी पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम, आपका आपकी परीक्षा होगी कब? जब आपकी मृत्यु होगी। जब तक आपका शरीर नहीं छूटता तब तक आप विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी का कर्तव्य बनता है कि उस सिलेबस को बार बार आवृत्ति करता रहे, रिपीटेशन करता रहे, उसको सुनता और पढ़ता रहे, तो फिर परीक्षा में वो बालक, वो विद्यार्थी आसानी से सफल हो जाता है। जब आप यहाँ से संसार छोड़कर चलोगे तब आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी, और उस समय आपने जैसा भी अपने जीवन में ज्ञान सुना है, भक्ति की है, जैसी भी आपकी वृत्ति मन की स्वभाव रहा है, वो सूक्ष्म शरीर में ऐसा ही क्रियाएं आप करोगे, जैसे आप स्वप्न में, जैसे जिसकी दिनचर्या जैसी होती है तो स्वप्न में भी वो ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही बिरड़ाता है। एक समय हमारा दादाजी के भाई का पुत्र, यानी हमारा चाचा लगता था, वो खेतों में बाजरे का रखवाला रहता था। पहले चिड़ियाएं बहुत सताया करती थी, और उसके ऊपर एक मंच बनाकर लकड़ का, उसको डामचा कहा करते, जोंडा, उस पर खड़ा होकर के चिड़ियाओं को हलकारा करता था, उनको डराया करता था, आवाज लगाता था हुर्र, और ऐसे उसमें गिलोल से गोफिया होता है वो मारा करता था, फटका करता था से, जिससे वो भाग जाती थी। सारा दिन ऐसे करता था, और वो सादा सा आदमी था। ऐसे ही एक दिन हम ऊपर पढ़ रहे थे, यही सितंबर का महीना था, रात्रि का समय था, वो आके ऊपर छत पर सो गया, हम चौबारे के आगे बाहर दीपक जलाकर पढ़ रहे थे। एक बारह एक बजे तक हम जागते रहे, पढ़ते रहे, तो एकदम उसने ऐसा जोर से करा हुर्र, हम एकदम डर गए, कूद कर पड़े, क्या हो गया चाचा को? हमने उसको उठाया, हमने कहा क्या हो गया काका तेरा, क्या हो गया? वो ऐसे ऐसे कर, कहने लगा भाई मैंने ऐसे सोचा, मैं खेतों में खड़ा हूँ और चिड़िया बाजरे को खा रही है, मैंने जोर से आवाज लगाई उनको डराने धमकाने के लिए, इसलिए मैंने सपना आ रहा था। तो पुण्यात्माओं, जैसी रिहर्सल दिन में होती है वैसी ही रात्रि में स्वप्न में भी वैसा ही उसकी वृत्ति बनी रहती है, ऐसे ही वो बिरड़ाता है। तो ऐसे ही जैसे कोई रेडी लगा रखी है, केले बेच रहा है, ले ले दो के पांच, बीस के दस, बीस के दस, तो वो सपने में भी नहीं बोलेगा ले ले बीस के दस, बीस के दस, क्योंकि उसका अभ्यास बन गया। तो ऐसे आप जी ने अब अभ्यास बनाओगे, जैसा यहां गप्पे मारोगे तो सपने में भी वो गप्पे याद आओगे। जब आपका यह शरीर छूट जाएगा, सूक्ष्म शरीर में आप रहोगे, तो वहां आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। आपने जैसे जीवन काल में जैसा भी संग्रह संचन किया है, कोई बकवाद घड़ी है या मालिक को याद किया है, जैसी भी आपकी विनम्रता या अभिमान, जैसा भी आपने संग्रह करके गए हो, तो वहां आप वैसा ही, वही परीक्षा में आप लिखोगे, यानी वही आपका वैसा ही व्यवहार विचार होगा। तो परमात्मा कहते हैं मौला बैठा मोर्चे और देख जन की भेड़, द्वादश कोट यम किंकर जहां एक नाम की खेड़। अब जैसे आप जी को स्वप्न आ जाता है या आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे स्वप्न हो गया। तो परमात्मा कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, उपासक है, नाम ठीक जप रहा है, साधना ठीक कर रहा है, उसकी परीक्षा लेता है भगवान। कैसे लेता? कि मालिक मौला, मौला बैठा मोर्चे, अपने निज स्थान से देख रहा है और देख है जन की भेड़, मानी उनका, उसकी, उसका गेम देख रहा है, मैच देखता है,
उसकी भिड़ंत देखता है, उसका जो है लड़ाई देखता है कि वो कैसे लड़ता है काल के दूतों के साथ। जैसे काल के दूत आते हैं साधक के पास, सौपन सा बन जाता है एकदम, उसको वो अचेत हो जाता है जब वो लेने आते हैं, और वो गलती से आ भी गए आपके पास तो प्रभु ये देखते हैं कि वे कौन सा हथियार प्रयोग करेगा इनको भगाने का। अब जिन्होंने सत्साधना की हुई है और ये ज्ञान आधार है कि ऐसी आपत्ति में आपने परमात्मा को याद करना चाहिए। यदि आप वहां कहते हैं हाय रीमा मर गया मुझे बचाइयो बचाइयो, तो माँ तो वहां आपको बचा नहीं पाएगी, ना पिताजी बचा पाओगे, ना कोई भाई, ना राजा है तो कोई सेना भी नहीं बचा पाएगी वहां पर आपको। तो ये तो होगा आपका फेल हो जाना यदि आपने किसी से पुकार दिया मुझे बचाइयो आइयो, हे भाई आइए, हे पिताजी मर गया, हे माँ मर गया, खा लिया मैं मार दिया, तो आप फेल हो गए। और पास होने के लिए क्या बताया है कि एक सतनाम के सुमरण कर दो, श्वास उस श्वास का एकदम सिमरण शुरू हो जाना चाहिए ऐसी आपत्ति में। और किसका होगा जिसने दिन में हुर हुर कर रखी होगी तो रात में भी हुर हुर करेगा। तो जिसने दिन में यानी अपने जीवन काल में जैसे भी परमात्मा को याद किया हुआ है उस सूक्ष्म शरीर में भी उसको वही याद आवेगा और वही प्रैक्टिस बनेगी। तो यहां गरीबदास साहब जी कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर कबीर देव जी आप जी की परीक्षा लेने के लिए कई बार सौपन भी ऐसा बना देता है। तो ऐसी आपत्ति में हमने परमात्मा के उस सतनाम का सिमरण प्रारंभ कर देना चाहिए। जिसके पास प्रथम मंत्र है और द्वितीय नहीं मिला है सतनाम, तो प्रथम मंत्र का भी जाप आप शुरू कर दीजिए। उसी समय भी यम के दूत किसी भी प्रकार की जो आपके ऊपर आपत्ति काल डालना चाहेगा वो नहीं डाल पाएगा, आप सुरक्षित रहोगे। तो ये आपका पास होना होगा। मौला बैठा मोर्चे और देखे अपने जन की भेंट, भेंट माने लड़ाई, उसकी तरीका देखता है ये कौन सा फार्मूला अपनाओगा, फिर उसका बता भी रहे हैं कि 12 करोड़ यम के दूत आ जाए, 12 करोड़ हैं काल के दूत, कहते हैं सारे के सारे भी खड़े हों सामने तेरे आके, एक नाम की खेड़, खेड़ बोले ना टक्कर मारा करें, ये पशु जैसे बैठते हैं और कहते हैं एक वह खेड़ है जैसे दो सांड गुड़ते हैं बैठते हैं, दो भैंसे बैठते हैं, तो एक दूसरे का वह जो ऐसे सिर बढ़ाते हैं उसको खेड़ बोलते हैं कि उसने उसका खेड़ मारी। ये अपनी मदर लैंग्वेज है हमारी हरियाणा की देसी। तो कहने का भाव परमात्मा का है कि वो एक नाम की खेड़, सतनाम एक सिमरण कर दिया हुआ खेड़ मार दी आपने, टक्कर मार दी 12 करोड़ का, और 12 के 12 करोड़ चक्कर काटते जाएंगे, आपसे 100 फुट दूर जाके खड़े हो जाएंगे, इसमें इतनी शक्ति बताई है, यथार्थ है ये बात। तो पुण्यात्मा आप जी ने ये सिलेबस जो दास बता रहा है, ये ज्ञान आप विद्यार्थी हैं, ये दास आध्यात्मिक गुरु है, अध्यापक है, जिसको अंग्रेजी में स्पिरिचुअल टीचर बोलते हैं, आप विद्यार्थी हैं। और आप जी का ये जो स्टडी पीरियड है आपके अंतिम श्वास तक है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंतिम सांस तक है ये, तो सूक्ष्म वेद में थी ये वाणी है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में वायु अनिलम अथ इदम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप
वायु अनिलम, यानी श्वास उश्वास के साथ, जब तक तेरे शरीर का अंत ना हो भस्मांतम शरीरम, तब तक ओम कर्तु समर किल्वे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप, क्योंकि वेदों में ब्रह्म तक की साधना का ही स्पष्ट वर्णन है और परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए ऑप्शन है यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र 10 से लेकर 13 में बताया है कि जो ज्ञान परमात्मा के विषय में तत्वदर्शी संत देते हैं उनको उन्हीं से सुनो, यानी वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता एक ही है। तो उसने ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए तो तत्वदर्शी संतों से ही आपने वो ज्ञान श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो कहने का भाव यह है कि सूक्ष्म वेद में भी यही बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे, यानी चलते फिरते उठते बैठते खाना खाने की तैयारी करते हो तो उसमें दो चार नाम साथ में ले ही ले, हैं चलते हो फिरते हो रास्ते में जब भी दाव लग जा बहुत बहुत याद करे परमात्मा के इस संदेश को। ठीक है, संसारिक टेंशन तो हमारे आजीवन बनी ही रहेगी, यदकाल ने बना रखा है हमें यहाँ फंसाए रखने के लिए कि कहीं ये परमात्मा ना बदले। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए अध्यात्म ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से, कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो तो स्वाभाविक होगा ही होगा। फिर आपको ये भी याद रहना चाहिए कि आप पूर्ण परमात्मा की शरण में हो। यदि आपके भाग्य में कोई भयंकर आपत्ति है, यदि आप सद साधना कर रहे हो, नाम का सिमरण भी कर रहे हो, मर्यादा में रह रहे हो, वो आपदा आपके भाग्य में है, कर्म प्रारब्ध कर्म में है तो भी नहीं होगी, क्योंकि हम उस समर्थ की शरण में हैं। तो ये इन ज्ञान के आधार से आप टेंशन को हल्का करके फिर नाम पर जोर दे सकते हो और ऐसे आप बार बार याद करके भगवान की भक्ति चलते फिरते उठते बैठते बस में सफर कर रहे हो। पहले हम क्या करते थे, दूसरे साथी जो बैठा होता सीट पर, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, आपका क्या व्यवसाय है, फिर कोई राजनीति की बातें छेड़ देते थे, यानी दो घंटे वेस्ट करते थे। अब हमने ना तो ये पूछना कि आप कहाँ जा रहे हो, बस का पता ही है रास्ते में उधर जा रहा है तो कहीं ना रास्ते में उतरेगा या लास्ट तक चला जाएगा। अपना नाम आपके पास है, माला छोटी सी जेब में रख है, माला ना हो तो भी कोई जरूरी नहीं, अपना श्वास उश्वास का सेवन या वैसे मंत्र, अगर सीट मिल जाती है तो बैठ के अर कर अगले डंडे पर सिर और मुँह कर ले नीचे ने, अपना मंत्र करता जा, ना बोलना अगले वाले से, ना पिछले वाले से, ना बराबर वाले से, और ना झांकी में गए देखना खिड़की में क्या आ गया क्या जा रहा है, ये वही ढूंढ, वही मकान, वही पेड़ पौधे, दूर की दूर देख लो, कुछ भी ना दिखे उसमें। तो इस प्रकार हम कितना सदुपयोग कर सकते हैं इस मालिक के भक्ति और भगवान के नाम का, इस ज्ञान से आप अपनी भक्ति ढेर कर सकते हो, अनमितता कर सकते हो, अमित यानी जिसके कोई वार पार ना हो, इतनी भक्ति कर सकते हो। और फिर एक सीमन श्वास का कितना कीमती है, आप असंख्य युगों से यहाँ कर्तवान बन गए हो इस काल भगवान के, क्योंकि आप इसके इस पृथ्वी रूपी विमान में सवार हैं और ऊपर स्वर्ग भी इसी का विमान है, ये सभी घूम रहे हैं चल रहे हैं, इसने अपनी भक्ति शक्ति से ये विमान परमात्मा से ले रखे हैं और इनमें जो भी बैठकर सवारी कर रहा है, यात्रा कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसका कर्जा इन आप जी ने देना पड़ेगा। यो आपके अकाउंट में लिखता रहता है ऑटोमेटिकली एक एक सेकंड का। तो आप कितने दिन हो गए इसमें सफर करते हैं ना, फिर इस जो आपकी आप इसका कर्जा नहीं दे पाते हो, इसका जो आपके ऊपर लोन है वो वापस नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको गधे कुत्ते बनाकर ये यातनाएं देता है। हम कितने कर्जवान हो गए
आपका अकाउंट आपको बता दिया जाता है तो हार्ट अटैक हो जाए आपका, आज आपके ऊपर इतना कर्ज है, यानी आपके संचित कर्म शुभ और अशुभ जो वहां रखे हुए हैं इस काल के न्यायाधीश के पास, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। आगे आपने क्या क्या दुख और भोगने हैं, अगर आपके यह बात जच जाए, यकीन हो जाए कि जो कहा जा रहा सच्ची है, तो आपका नींद हराम हो जावे। लेकिन काल ने ये तीन इंजेक्शन लगा रखे हैं, रजगुण सतगुण तमगुण का, अपने तीनों पुत्रों से लगवा रखे, इससे आप सुनते भी रहते हो, परमात्मा आकर बताते भी रहते हैं, हमारे जैसे दासों के द्वारा भी आपके कानों के पास आवाज खड़खड़वाते रहते हैं, ये दस्तक दिला रहे हैं आपको, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पाते हो कि सचमुच हम कुत्ते और गधे और सुअर भी बन जाएंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल और हमारे इस मनुष्य जीवन के नाश करने का मूल कारण है। तो वो परमात्मा आकर हमें याद दिलाता है कि तुम कितने कर्जवान हो गए हो, उस कर्ज को उतारने के लिए एक श्वास का सिमरन कितना वैल्यूएबल है। ये लाल है, एक लाल आज 1,00,000,000,000 का हो रहा होगा, पहले लाख टकेगा तो पहले बकार थे, लाख 1,00,000,000 का सौकड़ों वर्ष हजारों वर्ष पहले 1,00,000 रुपए कीमत बता चले, आज तो ये करोड़ों का हो, करोड़ों से भी ज्यादा हो रहा होगा, कई लाखों का। तो ऐसी कीमत समझो एक श्वास के सिमरन की, सतनाम के सिमरन की मर्यादा में रहते हुए, मर्यादा खंड करके, नाम भंग करके, गुरु से विमुख होके इसका सिमरन कितना ही करते रहना, कोई लाभ नहीं होगा। तो गुरु मर्यादा में रहते हुए गुरु पूरा बना करके, क्योंकि पूरा गुरु इस पृथ्वी पर और नहीं है, ये अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना, इस दास के अतिरिक्त कोई भी 21 ब्रह्मांड में इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है और अधिकारी नहीं है इस मंत्रों के देने का, जो मोक्षदायक है, जो दास के पास उपलब्ध है, और इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से मुझसे भेद प्राप्त करके मनमुखी कोई दान नाम देने लग जाता है तो वो पापी है, अपराधी है, वो परमात्मा का शत्रु है, आपका भी शत्रु है, क्योंकि वो डुप्लीकेट अनऑथराइज्ड लाइसेंस बना रहा है, आपको नाम देकर वो आपका जीवन नष्ट कर रहा है, तो उनसे भी सतर्क रहना आप जीवन। तो कहने का भाव ये, परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि एक श्वास उस श्वास का जो सिमरण है, क्या बताते हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, सतनाम दो मंत्र का है, श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन तीन मंत्रों का संकेत है और इन्हीं के जाप का निर्देश है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है, ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ओम तत्सत इस तीन मंत्र के जाप का, जो तीन प्रकार से त्रिविद है, तीन प्रकार से इसका सिमरण होता है, इसी का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, अग्रम मग्रम खती खत्म कर दी, कि ये निर्देश है, ये डायरेक्शन है और कुछ भी नहीं है। ओम तो सीधा ब्रह्म का सार्वजनिक है, उसने कर दिया अपना मंत्र, तत् और सत ये सांकेतिक है, तो सतनाम ये दो मंत्र से बनता है, एक ओम और दूसरा ये तत्, ये दो अक्षर का सतनाम है। ये तत्व भी सांकेतिक है, ये दास बताएगा, वो और मंत्र है, इन दोनों से को मिला करके सतनाम बनता है। तो क्या बताते हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, यानी एक तराजू के, ये ताखड़ी होती है अंग्रेजी में, उसको बैलेंस बोलते हैं, उसके एक पलड़े में तो एक श्वास का सिमरण की वैल्यू रख दी जाए, सतनाम के एक सिमरण की वैल्यू कीमत। और दूसरी तरफ कहते हैं ये 14 लोक चढ़ावे, 14 लोकों में कौन कौन से है, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्म लोक,
और दुर्गा का लोक और ये अतल उतल ये सारे सब ये 14 लोक चढ़ा दे, रख दे दूसरे पलड़े में, और 3 लोक पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक और पाताल लोक ये तो पासिंग रखे। पासिंग क्या होती थी पहले पुराने हमारी मदर लैंग्वेज हरियाणा की मातृभाषा में पासिंग किसे बोलते थे, जैसे किसी की तखड़ी में, जैसे सौदा लेने आता था व्यापारी, इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ तो ये बनिए लोग आते थे, कोई गेहूं तोलता था कोई बाजरा ले जाता था, तोलते थे तखड़ी में, और वो सबसे पहले उस बैलेंस को तखड़ी को ऐसे चेक करता था इसमें कोई एरर तो नहीं है, यदि उसमें कोई एरर होती मान ले एक पलड़ा ऊंचा एक नीचा हो जाता और वो डंडी ऐसे डंडी होती थी उसको पकड़ के ऐसे करते थे तो वो उसको ठीक करता था बैलेंस बनाता था। उसके लिए क्या करता था, उसी कनक मत है जैसे गेहूं तोड़ रहा है तो गेहूं से ही एक मुट्ठी गेहूं उठाए और उस साइड में रख देता था जिधर का पलड़ा ऊंचे न ऊपर को हो जाता था ऐसे होता, फिर वो बैलेंस हो जाता था 10 ग्राम 20 ग्राम जितना भी 50 ग्राम कनक डाल देने से, फिर जिसमें कनक डाली है उसी में बट्टे रख दिए जाते थे और दूसरी तखड़ी के तराजू से कनक भर भर के और फिर तोली जाती थी। यानी असली सौदा तो अन्य है और पासिंग तो थोड़ा सा वो गेहूं था एक मुट्ठी भर 100 ग्राम 50 ग्राम उसको पासिंग के लिए यूज किया गया, पासिंग माने उस बैलेंस की तखड़ी की कमी को ठीक करने के लिए एरर को ठीक करने के लिए वो नॉन एज पासिंग है उसको पासिंग कहा करते। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।